गाइस, क्या हाल चाल है? आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट होने वाला है। ब्लॉग पूरा देखना। मैंने आपको बोला था मेरा गेम है, पर मैंने सरप्राइज दिया था। मैं घर से निकला था जिम के लिए, फिर मेरा वहाँ चुल उठी कि गेम खेलना है, अगर सोचा तो खेलना है। तो आज एक नहीं दो दो मेडल लेके आ रहा हूँ। फिर मेरे साथ दीक्षा जी भी हैं। बाकी आपको घर चल के अनाउंसमेंट करते हैं। बिग अनाउंसमेंट, मिस्टर डे खेला है मैंने आज। तो आपके भाई ने एक नहीं दो दो मेडल लेके आया हूँ। जिस मेडल की मुझे भूख थी वो मेडल मेरा पहला आ चुका है, दो बार ही आ चुका है। दो दो लेके आया हूँ दोनों कैटेगरी में। जैसे कल दो खेला था, आज भी दो ही खेल रहा हूँ। बाकी घर चल के मिलते हैं, अभी ऑटो में हूँ। कोई बात नहीं, भूखे मर लेंगे, पर आप तगड़े होके रहना है, तगड़े होके खेलना है। बाकी मिलते हैं घर चल के आपको। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है? जिसको बोलते हैं ना लक बाय चांस, मेरे साथ वो हुआ। कल मैं जा रहा था जिम अपनी वर्कआउट करने के लिए, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, भाई कहाँ है जिम, गेम नहीं खेलना क्या? ना मेरे रजिस्ट्रेशन, वो सुबह रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। मैंने उस टाइम उनको फ़ोन किया, सर मैं ऐसे ऐसे लेट हो जाऊँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। मैं ओला बाइक पता पड़ी जिम जाने के लिए, ओला बाइक वाले को बोला मैंने गुमान ना रोहनी चल, रोहनी चलना है भाई गेम है। अब मैं सीधा रोहनी गया, मेरे बैग में सामान कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास कॉस्ट्यूम, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ना मेरे पास ट्रेन और जिम का सामान था जो हम पहनते हैं यूज़ करते हैं, शेकर बोतल ये सब ये चीज़ें थी, कोई चीज़ नहीं लेके गया था। और ये मेरे अंदर से था ही नहीं खेला। मैंने भैया को ही बोल दिया कि भैया मैं 29 वाला खेलूँगा, कल नहीं खेल रहा, पावर नहीं है। पर बजरंग बली ने, भगवान ने सोच रखी थी तुम्हें खेलना है और मेडल लेके आना है। अब ये पहली कैटेगरी चल रही थी, इसमें सिलेक्शन हो रहा था, 10-10, 15-15 लड़के लड़के चढ़ के सिलेक्ट कर रहे थे कि टॉप 5 कौन रहेंगे, ये उनके सिलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है टॉप 5 के। अब तुम्हारे भाई कहाँ गिव अप करने वाला था तुमने कहा, मैंने कहा नहीं भाई, एक सेकंड आया है, अब गोल्ड लेके जाने हैं। प्रतीक्षा भी बाद में आई है, मानना आप कि मेरा गेम जब मैं स्टेज पे चढ़ गया हूँ उसके बाद में प्रतीक्षा आई है। तो आज मैंने चिल होके मारा, मतलब मैंने ना कल गुड़ वुड़ खा लिया थोड़ा जान के लिए, तो मेरी बॉडी थोड़ी सी ना वो नहीं थी कि मतलब मुझे ऐसे चक्कर, परसों मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और मैं एक बारी गिर भी गया था, उसके बाद भी मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इतनी मेहनत कर रखी है साली, जान तो नहीं गई ना, बेस्ट देना अपना, कोई दिक्कत नहीं, बजरंग बली तेरे साथ है। तो भगवान का साथ था, उसमें भी मेरी सेकंड प्लेस आई। यहाँ मैं घर ना जाते जिम जाते जो तेरा रोहनी पहुँच गया, कहाँ से निकला था और कहाँ पहुँच गया, ये देखो। पहले सबसे पहले मैं सेलेक्ट हुआ, पीछे पहुँचा मैं, ये मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। उसके बाद ये लड़का, अभी तीसरा लड़का, इसको वापस बुला लिया था। अब ये देखो सारे बॉडी बिल्डर एक साथ आ गए, जो जो टॉप 5 में सेलेक्ट होंगे सब एक साथ आ गए। अब देखना ध्यान से, मेरा वैक्यूम देखना, मेरी पोजिंग देखना, कटिंग देखना, बैक वैक सबसे ज़्यादा मैं ही छिला हुआ हूँ। एक सीनियर बॉडी बिल्डर था बीच में, पर वो थिक था, समझ रहे हो, उसका साइज़ था उसके पास, पर वो कटा नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई ने रोक रोक के जितना उसे बेस्ट हो सकता था ना, चिल मोड में मारा आज। अंदर डर नहीं था कि नहीं भाई, जब भगवान ने तेरे को इस सारे रास्ते खोल दिए ना कि तेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, उसके बाद तू गेम खेलने आया है तो तूने बेस्ट देना है अपना। अब देखना, अब इसके बाद मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, पहली कैटेगरी जो मैं क्लासिक खेला इसे मेरा फर्स्ट आया ये, ठीक है, ये मेरे को फर्स्ट मिला इस कैटेगरी में अपना। इसमें मेरा लिखा हुआ था कि भाई तुझे खुद पहुंचना है और वहाँ तेरे को गोल्ड मिलेगा, और कुछ ना होते हुए भी वहीं सब बंदे भी नहीं थे मेरे पास कलर लगाने के लिए। जो मेरा भाई जो था वो खेल रहा था, उसका भी नंबर लेट आना था। देखो सर ने मूछों की तारीफ़ करी, बहुत अच्छी मूछें हैं, बहुत अच्छा शरीर है आपका, दिखाओ एक बारी पोज मारो, देखो तुम्हारा भाई तान के पोज मार रहा बार बार रोक रोक के, लग रहा था ना गजब। अब मैं दूसरी कैटेगरी चढ़ूंगा, ये दूसरी कैटेगरी आ गई। और मानना ये जो लड़का है ना, ये दूसरी कैटेगरी का, इनका अपना लड़का था, तो ये ना बीट बार बार मेरे आगे आगे वो कर रहा था। इनको था कि इस बार इसको प्लेस देनी है, फर्स्ट प्लेस इसको देनी है, पर तुम्हारा भाई काम आने वाला था। मैंने कहा नहीं भाई, अगर दो गेम खेलें तो दोनों में गोल्ड चाहिए, दोनों में। जब मैं आया हूँ ना भागते हुए, तो कुछ ना कुछ बात, ये लड़के सुबह 10-11 बजे पहुँच गए थे यहाँ, और मैं शाम को 4 बजे 4:15 पहुँचा, और मेरा 5 बजे मैं स्टेज पर भी चढ़ गया। किसी ना किसी से कोई ना कोई हेल्प लेके सब ने हेल्प करा, भैया वही हो ना जिसमें एशिया ने सेकंड मारा था, वही उन्होंने, हाँ भाई वही हूँ, करवा दे। अब देखना, अभी इसने ये मेरा और इसकी टक्कर चल रही थी किसी तरह की, इन दोनों की टक्कर थी कि इन दोनों में से जो होगा ना उसको फर्स्ट दे देंगे। पर तुम्हारे भाई ने गिवन, इसके ही कोच पीछे खड़े हैं, पीछे इधर जज के पीछे कोच खड़े हैं कि यही लड़के को देनी है, पर नहीं भाई, मैंने कहा नहीं फर्स्ट ही लेके जाऊँगा। अब देखो इसको सेकेंड मिली, मेरे को फर्स्ट, दोनों कैटेगरी में फर्स्ट मिली, देखो आया ना दोनों कैटेगरी में। वेस्टर्न दिल्ली में जो खेलने गया था, मेरे वेट में मैंने दोनों में अपने फर्स्ट मारी है, क्लासिक में भी और बॉडी बिल्डिंग में। दिन था मेरा आज का, सबका दिन होता है, दिन सबका बन सकता है, पर भगवान पे विश्वास रखो, गिव अप मत करो और मोटिवेटेड रहो, क्या पता तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लिखा हो। तो इसलिए हमेशा एक दिन एक जैसा नहीं होता। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है? कल का तो आपने व्लॉग देखा होगा,
मेरी दो प्लेस आई थी, एक में सेकंड एशिया, एक में फोर्थ। आज मैं मिस्टर दिल्ली खेलने गया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कल की वजह से, मेरे को था नहीं अब 29 वाला है 10 वाला खेलेंगे। पर वही बात है ना, जब लिखा हो खेलना, मानो कि मैं घर से निकला था जिम के लिए बिना ट्रेन लिए, अपने टेन सूट लिए, बिना कोई अपना जिम का बैग लेके निकला था कि मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे एक अपना भाई है विमल, विमल का फ़ोन आया कि तू आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। मैंने उसको बोला था आने के लिए, तो सब बच्चों का वेट हो गया था सुबह 8-9 बजे। मैंने उनको फ़ोन करा, सर ऐसे ऐसे मैं लेट हूँ, कोई बात नहीं आ जाओ। मैंने 4 बजे जाके अपना वेट करवाया, कल का खेला हुआ, सुबह निकला था जिम जा रहा था, जिम नहीं गया, उसी व्हीकल में मैं गया। अब मेरे पास कोई सामान नहीं था, मुझे ये नहीं था कि मेरे को टैन कौन करेगा, मेरी कॉस्ट्यूम कौन लेकर आएगा, मुझे था पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए। मैं किसी तरह वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, मान लो कि पहुँचते ही 1 घंटे बाद मेरा नंबर था। मैंने प्रतीक्षा को फ़ोन करा कि भाई मेरे को सारे सामान चाहिए, तो फटाफट ओला करके कैसे भी आ। प्रतीक्षा आने में 5 मिनट लेट हुई होगी। मैंने वहाँ से किसी की ट्रेन मांगा कॉस्ट्यूम, किसी बंदे को पैसे देके मैंने अपने बॉडी पे टैन लगवाया। प्रतीक्षा आई और मैं चढ़ाऊँ, जो पहले गेम में गोल्ड आया ना मेरे, वो आके उसने बैग रखा सामान लेके आई, उससे पहले मैं गोल्ड के लिए चढ़ गया था। ठीक है, मैं क्लासिक फिजिक खेला था, इसमें इसको बोलते हैं किस्मत कि मैं जा कहीं और रहा था और मैं चला कहीं और। मैंने सोची थी खेलने, फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा बैक टू बैक कोई बात नहीं। अब अच्छा अंदर डर तो रहता है ना, अब कैसे प्लेयर आ जाए, कैसे क्या है, गेम तो गेम है। देखो मेरा वहाँ पूछा स्टेज पे, तुम्हारे भाई में पैसे पावर थी, कल रात को मैंने थोड़ा बहुत चीट तो क्या किया था, गुड़ खाया था और चॉकलेट खाई थी ताकि मेरे को चक्कर, मेरी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो रखी थी। सुबह मैंने बार बार वीडियो बंद हो रही है, फ़ोन का स्टोरेज अब रोज़ इतना बनाता हूँ मैं, स्टोरेज फुल हो रही है। कोई बात नहीं, देखेंगे न्यू ले लेंगे आगे चल के। मेरी बॉडी ऐसे डिहाइड्रेट हो रखी थी, ऐसे हो रखा था मैं कि मतलब अंदर से आवाज़ थी यार खेल ले खेल ले, कुछ भी नहीं था ना मेरे पास कपड़े, ना मेरे पास कोई चीज़, ना मेरे पास ट्रेन। बस वहाँ से जुगाड़ किया, किसी तरह मैं स्टेज पे चढ़ गया, कोई भाई पकड़ा उसने मुझे कलर लगाया, स्टेज पे चढ़ गया, अपना बेस्ट दिया। पहले मेरा गोल्ड आया, प्रतीक्षा मुझे आगे देख रही, मैंने देख लिया मेरे पास आ गई है। फिर सेकंड फिर था, 2 गेम लगाए थे मैंने, मैंने दोनों गेम खेल लूँगा कोई बात नहीं। दोनों गेम सच्चाई माना टक्कर के लड़के थे, बढ़िया तगड़े तगड़े लड़के थे, ऐसे नहीं जाए। पर ये मेरी किस्मत में लिखा था कि भाई तुझे खेलना है, क्योंकि मेरा अंदर से मन नहीं था, भगवान खुद ले गया, हर चीज़ खुद ना खुद हो गई, मानोगे ट्रस्ट करोगे सब कुछ खुद हुआ है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था कि मैं जाऊँ भी, मेरा मन भी नहीं था। मैं यहाँ से 3 बजे गया हूँ, बच्चे सुबह 8-9 बजे वेट दे रहे हैं, वेट था 8 से 10, मैं 4 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। बाकी कोई बात नहीं, अपने देखो ये 2 गोल्ड आए हैं, ये मेरे 2 फर्स्ट के सर्टिफिकेट हैं, ये 2 फर्स्ट की ट्रॉफी है, मेडल है, ये 2 डब्बे मिले हैं प्रोटीन के, शेकर मिला है, टी शर्ट्स मिली हैं। ठीक है, मेरे लिए बहुत है, क्यों मेरे लिए इसलिए गोल्ड बहुत है मिस्टर दिल्ली की, कल मैं जो नई बेस्ट दे पाया, जो मेरी सेकंड आई थी आज, वो मैंने गलती नहीं होनी थी पोजिंग की, मैंने अपना बेस्ट दिया। अब मैं 29 को खेलूंगा, अगला मेरा 29 को गेम है, फिर मेरा 10 को है, 4-5 मैं गेम खेलूंगा, अच्छे खेलूंगा। बाकी थैंक यू सो मच जिसने मेरे लिए विश किया करा। आज मैं किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरा गेम है, क्योंकि मुझे खुद नहीं था खेलना है। सिर्फ मैंने प्रतीक्षा को बुलाया, सिर्फ मैंने कुलदीप भैया को बोला कि भैया मेरे 2 गेम खेलो, दोनों में गोल्ड आया है, और मैंने किसी को और अपने पेरेंट्स को बताया। बाकी जिन दिन का मैंने डाला इंस्टाग्राम पे, तो आप ना बैठे मत रहो, देखो जो चीज़ होनी है कोशिश करते रहो, क्या पता कब क्या हो जाए, और गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में। आज थोड़ा थका हुआ हूँ, कल भी गेम खेल रहा था, आज भी गेम खेल रहा था, आज मानोगे थोड़ा सा चीट किया, मैंने वाइट राइस खाए हैं, घर की सब्जी खाई है, बाकी 29 को गेम है, कि कल कार्डियो करके मैं वापस निकाल दूंगा। अपना लाइफस्टाइल ऐसे ही आदत हो रखी है, आप पक जाओगे, रोज़ रोज़ एक जैसा खाना खा के क्या करें। पर कि कोई बात नहीं, आज जो मिला 29 तारीख को भी कोशिश करूंगा सेम यही सिचुएशन रहेगी कि मैं गोल्ड लेके आऊंगा, पर 29 को मैं सिर्फ अपनी जो मेरी बेस्ट है वो मेरी क्लासिक फिजिक है, जिसका मैं वैक्यूम बोलते हैं ना, वैक्यूम जो मेरा बेस्ट है, मेरा वही चीज़ है। बाकी मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, आज का व्लॉग कोशिश करूंगा जितना मेरा बनाया डालूं। आज मेरा ट्रेजडी है, इसको ट्रेजडी बोलते हैं, मेरा मन नहीं था, गया और 2 में मेडल आ गए, और ऐसा नहीं है मैं वहाँ जीतने गया था, सारे लड़के तगड़े थे। मेरी वीडियो इसलिए डाली है कि लोगों को ये ना लगे तू ही तगड़ा था, सारे तगड़े थे। अपना बेस्ट दो, सबका बेस्ट दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल नहीं था, कल भी फर्स्ट आती, कल का दिन नहीं था बस, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बहुत सारे चांस आते हैं, कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, और तगड़े होने पर ध्यान दो। गुड नाइट, शब्बा केयर, मिलते हैं कल।